अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल चुनाव तो बहुत अच्छा है और जो मुद्दे थे, खास तौर से गन्ने का मुद्दा था, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, किसान हड़ताल पर हैं, एक किसान की मौत हो गई है वहाँ पर, उसकी लाश लिए बैठे हुए हैं। दरअसल धोखा देकर सरकार बनाई तो जा सकती है लेकिन सरकार चलाई नहीं जा सकती। इस वक्त हालात ये हैं कैराना में कि मुस्लिम वोट को ख़रीदने के लिए भी यहाँ से, जैसी हमारी सूचना है, बड़ी रकमों के पहुँचने की खबर है, और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है और जो इतिहास है कि अगर मुस्लिम मोहल्ले में पुलिस का आतंक हो गया, लाठी चार्ज एक बार हो गया, तो मुसलमान फिर घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो जानता है कि पिटेगा भी वही, मुकदमे भी उसी पर कायम होंगे, बस्तियां भी उसी की जलेंगी, मारा भी वही जाएगा, बलात्कार भी उसी के साथ होंगे, तो फिर डेमोक्रेसी वगैरह सब उसकी धरी रह जाती है और इलेक्शन व्यवस्था से दूर चला जाता है। मेरी बिल्कुल निश्चित सूचना है कि भाजपा के बड़े नेताओं ने इस बात का इंतज़ाम किया है कि किसी तरह से कल वायलेंस हो, मारपीट हो, लाठी चार्ज हो, मुसलमानों के मोहल्लों में दहशत फैलाई जाए और उन्हें घरों से बाहर न निकलने दिया जाए। इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है इलेक्शन कमीशन का रोल, उन्हें चाहिए कि ऐसी फोर्सेस वहाँ भेजें जिनका एक्ट इम्पार्शल हो, लोकल फोर्सेस को वहाँ से हटा दें और जितने भी लोकल अधिकारी हैं उनका सारा रोल वहाँ ख़त्म करें, दूसरे ज़िलों से लेकर जाएं या दूसरे राज्यों से लेकर जाएं। ये चुनाव खुद इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, ठीक उस तरह जिस तरह कर्नाटक के इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन के वक्त सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल था और वो अपने उस अग्नि परीक्षा में बहुत कामयाब उतरे थे। इलेक्शन कमीशन को भी कुछ ऐसा ही साबित करना है।